नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज़ में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपने एमटीपी किट खाई है तो उसके कितने दिनों बाद तक ब्लीडिंग आपको हो सकती है और ब्लीडिंग होना नॉर्मल है और कब आपको क्या करना चाहिए, कब आपको डॉक्टर के बारे में जाने के लिए सोचना चाहिए। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा। कोई क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर दीजिए कि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले, और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो एमटीपी किट होती है उसमें मैं पता है कि 5 टैबलेट्स होती हैं। उसमें 2 तरह की टैबलेट्स होती हैं, एक बड़ी गोली होगी और 4 छोटी गोली होगी। एक्सक्यूज मी, जो एक बड़ी गोली है वो आपने खा ली, उसके 48 आवर्स के बाद आपने 4 छोटी गोली ले ली। अब आपको ब्लीडिंग कब स्टार्ट होगी? अब आपको 1 से 2 घंटे के अंदर जो है क्रैम्प्स आना स्टार्ट होंगे, पेन हो सकता है, आपको क्लॉट्स निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। क्लॉट्स मतलब कि ऐसे आपको लगेगा कि बड़े बड़े मांस के टुकड़े जैसे निकल रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो अंदर लाइनिंग बनी है, जो बच्चा ठहरा है, वो सब बॉडी के थ्रू एक्सपेल आउट होगा, वो निकलेगा बॉडी में से, तो वो आपको ऐसे गुच्छे गुच्छे में या क्लॉट्स के रूप में आपको मांस जैसे लग सकते हैं, वो निकलना स्टार्ट होगा। उसके बाद 3 से 4 घंटे के अंदर आपको प्रॉपर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, और ये जो ब्लीडिंग है ये 7 दिन तक 10 दिन तक 15 दिन तक रह सकती है। और 15 दिन तक ये ब्लीडिंग का रहना नॉर्मल है, इतना टाइम लग जाता है कम्प्लीटली क्लीन होने के लिए। अब अगर आपको 15 दिन से भी ऊपर हो गए हैं, आपकी ब्लीडिंग रुक ही नहीं रही है, इट मीन्स कि शायद अंदर कुछ पार्ट रह गया है और बॉडी ट्राई कर रही है उसको एक्सपेल आउट करने के लिए, और इसलिए कॉन्स्टेंटली ब्लीडिंग हो रही है बट वो पार्ट बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो अब आपको अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करना है अगर आपको 15 दिन से ऊपर हो गए हैं ये ब्लीडिंग होते हुए, या फिर आपको 15 दिन हुए हैं उसके बीच में आपको डिजीनेस फील हो रही है, मतलब आपको चक्कर जैसा महसूस हो रहा है, आपको अनईजी हो रहा है, या आपको इतना शार्प पेन है कि आप उसे सहन नहीं कर पा रहे हैं, तब भी आपको एक बार अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करना है। और ब्लीडिंग से रिलेटेड एक बात आपको ज़रूर समझनी है कि अगर बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाएगा तो वो आपके लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है, इवन बहुत बार एडमिट होने की भी ज़रूरत पड़ जाती है, लोगों को ब्लड भी चढ़ाना पड़ सकता है। तो इसलिए अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसको नोटिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 दिन से ज़्यादा ब्लीडिंग ना हो। अगर 15 दिन से ऊपर हो गए हैं, ब्लीडिंग रुक ही नहीं रही है, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो मतलब 2-2, 3-3 महीने तक उनको ब्लीडिंग होती रहती है, उन्हें लगता है कि अरे कोई नहीं, थोड़ी ब्लीडिंग हो रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, बॉडी से जो फीमेल बॉडी से जब ब्लड आ रहा है तो वो सिर्फ जब उसके पीरियड्स के टाइम पे जो ब्लड आता है वो नॉर्मल है, उसके अलावा बॉडी से कभी भी ब्लड आना वजाइना के थ्रू इट्स नॉट नॉर्मल। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि ये जो 15 दिन है जब आपने किट खाई है उसके 15 दिन तक अगर ब्लीडिंग हो रही है देन इट्स फाइन, उससे ज़्यादा अगर दिन हुए हैं आपको चेक कराना है, डॉक्टर से मिलना है, वो आपकी एक अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, उसके बाद देखेंगे अंदर कि ऐसा तो नहीं है कुछ पार्ट रह गया है या क्या दिक्कत है, और उसके अकॉर्डिंग जो डॉक्टर आपको सजेस्ट कर रहे हैं आपको वो काम करना है। बट आपको घबराना नहीं है, अगर कई बार ऐसे मैसेजेस आते हैं कि मैम मुझे 10 दिन हो गए हैं, 12 दिन हो गए हैं ब्लीडिंग होते हुए, देन इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल, कोई नहीं, 15 दिन तक 2 हफ्ते तक ब्लीडिंग हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और 15 दिन के बाद ऐसे भी मैसेजेस आते हैं कि 15 दिन के बाद ब्लीडिंग रुक गई बट दोबारा स्टार्ट हो गई, तो ये भी होना नॉर्मल नहीं है। जब 15 दिन के बाद ब्लीडिंग रुक गई है उसके बाद जो आपका पीरियड आएगा उससे पहले इन बिटवीन कोई ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए। अगर इन बिटवीन कोई भी ब्लीडिंग हो रही है तब भी आपको अपने डॉक्टर को ज़रूर मिलना है। सो आई होप ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। मेरा बैड थ्रोट है, जस्ट इग्नोर इट। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू सो मच।